वालेकुम व्यूअर्स आई एम ज़ारा अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये बेबी की मूवमेंट के बारे में है हर औरत को अपने बच्चे के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल होनी चाहिए ये वो टॉपिक है जिसमें पेशेंट को अपना तोज़न बरकरार रखना होता है यानी कि ना तो ख़्वीन इस मामले में बहुत ज़्यादा बेफिक्र हो जाएं और ना ही इतनी ज़्यादा वहमी हो जाएं कि ज़रा भी देर अगर मूवमेंट महसूस ना हो तो वो हॉस्पिटल के चक्कर लगाने लग जाएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे की जो हरकत रहती है उससे मुतालिक तमाम मालूम देने की कोशिश करूँगी मैं कोशिश करूँगी कि मेरी इस वीडियो से आपकी बहुत ज़्यादा मदद हो जो भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है बच्चे की हरकत को लेके वो तमाम कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाए जब भी किसी औरत को प्रेगनेंसी होती है तो वो अपने बच्चे के बारे में सोचना शुरू कर देती है और जब भी उसे फ़र्स्ट टाइम अपने बेबी की हरकत महसूस होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा यादगार पल रहता है तो वो होती है फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो कि पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग थिंग होती है पेशेंट बेसब्री से इसके लिए इंतज़ार करते रहते हैं तो इसी की नस्बत मैं आपको बताऊँगी कि बेबी की हरकत पहली दफ़ा किस तरह महसूस होती है यहाँ मैं आपको बताऊँ कि आपको बेबी की मूवमेंट किस तरह फील होगी फर्स्ट टाइम आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि आपके पेट में या तो कोई गैस बन रही है या फिर छोटा सा बबल जो है वो उठा है या फिर टिक की तरह महसूस होगा तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो होगी शुरू के छः माह के मुतालिक यानी कि आपको सिक्स मंथ तक तर किस तरीके की मूवमेंट फील हो सकती है फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले तीन महीने तक बच्चे के मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है पाँच महीने से पहले बच्चे की हरकत अक्सर महसूस नहीं होती है लेकिन बास ख़वात को फ़ोर्थ मंथ में बच्चे की हरकत महसूस हो जाती है तो ये एक अच्छा साइन है लेकिन अगर किसी औरत को नहीं महसूस हो रही तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है पाँचवें महीने से छठे महीने तक आपको बच्चे की हरकत महसूस होगी लेकिन एक दिन में कितनी बार महसूस होगी ये अभी अहम नहीं है अगर आपको 24 फ़ोर आवर्स में एक बार भी मूवमेंट महसूस होती है तो वो काफ़ी है और अगर एक से ज़्यादा बार महसूस हो तो ये और भी अच्छा है लेकिन अगर 24 घंटे गुजर जाएं और आपको ये रियलाइज़ हो कि एक बार भी हरकत महसूस नहीं हुई तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें अब बात करेंगे आखिर के तीन माह यानी के थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में इन दिनों आपको एक घंटे में चार से पाँच बार बच्चे की हरकत महसूस होनी चाहिए इससे ज़्यादा हो तो कोई मसला नहीं लेकिन अगर इससे कम हो या बिल्कुल ही नहीं हो तो कुछ देर मज़ीद इंतज़ार करें कुछ देर में आपको मूवमेंट फील हो जाएगी तो कोई मसले वाली बात नहीं है क्योंकि इस पर बहुत सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं जैसे कि बच्चा सो रहा है या माँ के साथ कोई मसला है प्रेगनेंसी से रिलेटेड कौन कौन से मसले होते हैं जब आपके बेबी की मूवमेंट दूसरी औरतों के मुकाबले में थोड़ी मुख्तलिफ होती है वो मैं आपको बताऊँगी तो नंबर वन है एब्डोमिनल ओबेसिटी अगर किसी पेशेंट के पेट पर बहुत ज़्यादा फैट है यानी कि चर्बी है तो ऐसी खावतीन को ट्वेंटी वीक्स के बजाय थोड़ा लेट समझ आएगा क्योंकि स्किन जो है वो सेंसिटिव पार्ट है वो टच सेंसेशन के लिए होता है शुरू में बच्चा छोटे साइज़ का होता है तो उसकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा एब्डोमिनल पार्ट तक पहुँचना भी मुमकिन नहीं होता तो अगर किसी पेशेंट के पेट पर बहुत ज़्यादा ओबिसिटी है तो ऐसी खातन को बच्चे की हरकत देर से महसूस होगी सिक्स मंथ के एंड तक भी महसूस हो सकती है लिहाजा आप लोग परेशान नहीं हुआ करें अब सेकेंड नंबर पर है ट्विन प्रेगनेंसी आपकी एक प्रेगनेंसी है या ट्विन प्रेगनेंसी है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ट्विन प्रेगनेंसी में आपको थोड़ा जल्दी फिटल मूवमेंट महसूस होएगी अब थर्ड नंबर पे है हाइपरटेंशन। अगर आपको प्रेगनेंसी के साथ कोई और बीमारी है जैसे कि आपको हाइपरटेंशन है या फिर डायबिटीज़ है या आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो इस केस में भी आपकी सिचुएशन थोड़ी अलग रहेगी नाव स्ट्रिक्टली मोनिटरिंग फीटल मूवमेंट अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जब डॉक्टर आपको स्ट्रिक्टली बेबी की मूवमेंट पे नज़र रखने को कहती हैं सबसे कॉमन है हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से बच्चे को रिस्क रहता है ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से एकदम प्लेसेंटा के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है तो बच्चे को रिस्क रहता है तो इस सूरत में पेशेंट को बेबी मूवमेंट पे नज़र रखने को कहा जाता है नाउ सेकेंड वन इज़ गेस्ट्रेशनल डायबिटीज़ इसमें ब्लड शुगर कम ज़्यादा होने की सूरत में बच्चे को हैम्पर हो सकता है तो इस कंडीशन में भी पेशेंट को बच्चे की हरकत पर नज़र रखनी होती है ऑप्सटेट्रिक कॉलिस्टेसिस बोलते हैं जॉइस इन द प्रेगनेंसी को इसकी वजह से भी बच्चे का ब्लड फ्लू कम ज़्यादा होता है तो डॉक्टर आपको बच्चे के मूवमेंट पर नज़र रखने को कहते हैं अब फोर्थ नंबर पे है ओलीगोहाइड्रोम्योस ये बेसिकली बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी होता है बच्चे को जो पानी की कमी होती है ये वो कहलाती है यानी कि बच्चे के इर्द गिर्द अगर पानी कम हो रहा है तो ऐसी सूरत में बच्चे की मूवमेंट आपको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करनी पड़ेगी नाव फिफ्थ नंबर पे है पोलीहाइड्रोम्योस इस केस में भी कभी कभी कोर्ट बच्चे के नेक के अराउंड फंस जाता है तो इस सूरत में भी अचानक रिस्क होने की कंडीशन रहती है तो इस सूरत हाल में भी आपको बेबी की मूवमेंट पे गहरी नज़र रखनी होगी अगर आई है यानी आपके बच्चे की ग्रोथ थोड़ी कम हो रही है यानी जितना वज़न बेबी का होना चाहिए इतना वज़न सोनोग्राफ़ी में नहीं दिख रहा है तो इस केस में भी पेशेंट को स्ट्रिक्टली बच्चे की मूवमेंट पे नज़र रखनी पड़ेगी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें शेयर कर दें साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके